नमस्कार, मैं हूं युगल शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं द खबर एक्सपर्ट। तो राजधानी दिल्ली में दो महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन तो किसानों का चल रहा है, लेकिन अब नेताओं ने भी आंदोलन के समर्थन के बहाने अपनी सियासी रोटी सेकना शुरू कर दी है। खासकर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यूपी में साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी ने जातिगत राजनीति करने के बाद अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने में जुट गई है। यही वजह है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही यूपी में किसानों की एक महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसके बहाने वो पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जब मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के बहाने उपद्रव मचाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए किसानों के तंबू और बिजली पानी की व्यवस्था बंद कर दी थी, तब सबसे पहले केजरीवाल सरकार किसानों की मदद के लिए सामने आई। खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने केजरीवाल सरकार से मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया। किसान नेता राकेश टिकैत से मिली तारीफ के बाद कुछ ज्यादा ही उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब ऐलान कर दिया है कि वह यूपी के मेरठ में 28 फरवरी को किसान की महापंचायत करेगी। और जिस तरह से राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर महापंचायत कर रहे हैं, उसी तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिमी यूपी में किसानों से महापंचायत के जरिए रूबरू होंगे। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों के समर्थन के लिए महापंचायत बुलाई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने महापंचायत के लिए यूपी को ही क्यों चुना, जबकि किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र तो पंजाब और हरियाणा है, जहां से ज्यादातर किसान इस आंदोलन में पहुंचे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को बताया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह बात जानती है कि किसान आंदोलन का मुद्दा इस समय गर्म है। ऐसे में वे एक महापंचायत के जरिए किसानों का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में वोट बैंकों को आसानी से साध सकते हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले आप सांसद संजय सिंह ने पश्चिमी यूपी के बागपत जिले में कहा था कि किसानों के मुद्दे पर सरकार उदासीन और अहंकार में है, किसानों की ऐसे घेराबंदी कर रखी है जैसे वो पाकिस्तान और चीन के नागरिक हों। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ है। पार्टी वेस्ट यूपी में एक महापंचायत का आयोजन करेगी, इसके माध्यम से सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। दिल्ली में जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक विरोध प्रदर्शन चला था, उस विरोध प्रदर्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार भी झांकने तक नहीं गए थे और ना ही उनका कोई बयान आया था, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए वो एक बार नहीं बल्कि दो बार जा चुके हैं। किसानों को अपना समर्थन के लिए अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने दो बार सिंघू बॉर्डर का दौरा किया था और मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को अपना समर्थन दिया था। संसद से सड़क तक किसान आंदोलन के समर्थन में उतरने वाली आम आदमी पार्टी 28 फरवरी को यूपी में एक महापंचायत करने जा रही है। तो वहीं इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने संसद में भी किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। आइए सुनाते हैं आपको आप नेता संजय सिंह का भाषण। अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मान्यवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां है मान्यवर। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। माननीय इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया,
तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया। जस्ट कीप, तुमने सरदार, लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस। तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाक उल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें यह संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, यह संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फक्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। Let's keep the decorum, please। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान। संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको आंदोलन जी भी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया यहां पे, सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज प्लीज सुनो अपना, प्लीज सुनो अपना। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम, वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी नहीं है। Sanjay ji, there is a point of order. आंदोलन जीवी है। Sanjay ji, there is a point of order. जीवी है। There's a point of order. I have to allow the point of order. मुझे point of order allow करना है। Sanjay ji, one minute. Sir, point of order under rule 240. Okay. Under rule 240, any member who speaks in a discussion should not speak irrelevant things. So this is a discussion on the budget. यहाँ पे बंगाल हिंसा हो रही है सर, यहाँ बंगाल हिंसा। Let him complete। उनको खत्म कर लीजिए। संजय जी, I'll allow you to speak। उनको खत्म कर लीजिए। I'll allow you to speak, संजय जी। एक मिनट। हेलो। इस सदन के अंदर दादागिरी। संजय जी, वो खत्म कर दे। Yes please। दादागिरी चला रहे हो। Under rule 240, the rule says that an honourable member, when he speaks, he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion. So it is this discussion is on the budget. This is not related to some other discussions. So the discussion should be on the budget. कैसे लिया गया? बोलिए। किसानों पर बात करो। अब बोले। संजय जी कंटिन्यू। संजय जी कंटिन्यू। सर। जय जी, please take your seat. I'm allowing him to continue. Please, Sanjay ji, continue. Deputy Chairman, sir. Sanjay ji, continue. Sir, मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है? मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूँ अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज हमें start तो concluding. याद है, प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहाँ बोलने की आजादी दी। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज कंक्लूड। संजय जी बदौलत आए हैं, प्लीज कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए BMS, भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया,
आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए, अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो। और क्या क्या बेच रहे हो, क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें प्लीज। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। संजय जी टाइम इज ओवर, कंक्लूड करें, कंक्लूड करें, पूरा 30 सेकंड बेच दिया, प्लीज कंक्लूड। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। ये बोलने नहीं देते, आप कंक्लूड करें संजय जी। वहां किसान को नहीं बोलने देते, यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते, सदन का अपमान है सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं है, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए, दादागिरी मत दिखाओ यहां। संजय जी प्लीज कंक्लूड, आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। बोलूंगा और आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मंत्री जी प्लीज। श्री रामदास अठावले जी प्लीज, आई एम नॉट अलाउिंग एनी वन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय जी बैठे, माननीय मंत्री जी।